विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना, और दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। तब शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा, केवल एक ईश्वर है और उसके सिवा कोई नहीं है, उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदानों से बढ़कर है। उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर ईसा ने उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को भी ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यीशु हमें अपनी सारी शक्ति से ईश्वर से प्रेम करने के लिए बुला रहे हैं। दिल, आत्मा, दिमाग और ताकत प्रत्येक हमारे अलग अलग हिस्सों से बात करते हैं, लेकिन जोर स्पष्ट है, हमें अपने पूरे अस्तित्व से ईश्वर से प्रेम करना है। हमें दूसरों से भी वैसा ही प्रेम करना है जैसा हम स्वयं से करते हैं। हमें अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों, बुद्धि और शरीर से ईश्वर से प्रेम करना है और ईश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करना है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि तुम ईश्वर को जानते हो तो ईश्वर से प्रेम करोगे और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करोगे। धन्यवाद।